हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल से क्लास से। मैं हूं सुनीता। आज टॉपिक्स हमारा आज का टॉपिक है समझने क्षमता। ठीक है, ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है क्लास 10 का, मानव नेत्र। ठीक है, तो ये आज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका टॉपिक हम ले रहे हैं समझन क्षमता। ये फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इसका समझन क्षमता। ये समझन क्षमता क्या होता है? ठीक है, तो आप लोग जानते हो मानव नेत्र है, जो आंख है वो सबसे उपयोगी है हमारे। आंख ना हो तो संसार को हम लोग नहीं, रंग बिरंगे संसार को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है समझने की क्षमता। तो ये हम लोग समझेंगे। समझने की क्षमता मतलब होता है समझने की क्षमता। समझने की क्षमता मतलब क्या होता है? समझने की क्षमता, किसी चीज को समझने की क्षमता। ठीक है, इसको डेफिनेशन से देखते हैं तो समझने में जाना। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समझने की क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समझन क्षमता कहलाती है। यानी कि आंख से जब आप किसी चीज को देखते हो, उसके कारण वह अपनी फोकस उस पर फोकस करते हो, फोकस दूरी क्या करते हो, समायोजित कर लेते हो। नहीं जी, जिसके कारण अपनी फोकस दूरी क्या कर लेते हो, समायोजित कर लेते हो, क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। आप किसी चीज को देख रहे हो तो उसमें पूरा फोकस कर लिया, उसी पर पूरा फोकस कर लिया और उसको समायोजित कर लिया। क्या कर लिया? समायोजित। ये कहलाएगा समंजन क्षमता। क्या कहलाएगा? समंजन क्षमता। यानी किसी वस्तु को आप देख रहे हो, उसका उस पर ही पूरा फोकस कर दिया, उसके पूरे फोकस को क्या कर लिया? समायोजित कर लिया। क्या कर लिया? समायोजित। ये कहलाएगी समंजन क्षमता। तभी कहा गया है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, अब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है इसको समझने पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्या है। ठीक है, नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु स्वस्थ नेत्र द्वारा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसका मान 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु स्वस्थ नेत्र द्वारा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लो कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जैसे मान लो ये पुस्तक है। ठीक, इसको ये पुस्तक है, मान लो आप इसको यहाँ तक, तो ठीक है यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तक आप इसके यहाँ तक ले गए, इसको यहाँ तक दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। मतलब 25 सेंटीमीटर तक तो ये पुस्तक स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर से अगर अगर कैसा है 25 सेंटीमीटर स्पर्श दृष्टि को, यानी 25 सेंटीमीटर से कम होगी तो नहीं दिखाई देगी। ध्यान रखना, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं दिखाई देगी ये पुस्तक। ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर तक है तो पुस्तक दिखाई देगी, 25 सेंटीमीटर से कम है तो ये पुस्तक नहीं दिखाई देगी। वही हो जाएगी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तभी कहा गया है नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु स्वस्थ नेत्र द्वारा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक, इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है,